शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जो हंसते हंसते मात्र भूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने हमारे वर्तमान के लिए अपने भविष्य को न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है, और ऐसी ही स्वतंत्रता का प्रतीक है करगिल विजय दिवस। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के करगिल जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। आप सब करगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला था, जिसमें भारत के 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी के 30 वर्ष भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध वीरता और गौरव की अद्भुत मिसाल है। इस मिट्टी का मोल बड़ा अनमोल है, इसमें शहीदों के लहू की सुगंध है। कौन कहता है यहाँ रास्ता सुनसान है, इन रास्तों में आज भी वो शहीद जिंदा हैं, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को न्योछावर कर दिया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, भारतीय सेना का यही वो जज्बा है जो पूरे देश को सुरक्षा की गारंटी देता है। इनके जज्बे के आगे आसमां भी झुकता है। यूं तो भारतीय सेना के कारनामे बेहद विस्तृत हैं कि उन्हें एक पन्ने में समेटना मुश्किल है, लेकिन ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन वीरों को याद करने की जिन्होंने देश की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।